एंगल ऑफ फ्रिक्शन है कि मान लो ये ग्राउंड है और ये आपका एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो वेट है वो कहाँ कर रहा है, नीचे। तो बदले में क्या मिल रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ऐसे ही हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये बॉडी आगे की तरफ जाती है तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, पीछे की तरफ एक्ट करेगी, कहीं यहाँ पे, ये रही, ये आपकी फ्रिक्शन है। और ये फ्रिक्शन है मैक्सिमम स्टैटिक, एक्सीलरेशन नहीं करवानी, काइनेटिक का केस नहीं है, खड़ी है बॉडी, खड़ी है तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें एक्ट कर रही है, और जो कि एफ एस मैक्स है, इसे कम भी कर सकती है, पर मैंने फोर्स इतनी आगे की तरफ लगाई कि यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक एक्ट करेगी। तो ये दो फ्रिक्शंस क्लियर है, ये दोनों की दोनों कौन सी फोर्सेस हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, क्लियर है। अब अगर मैं ये बोलूं कि नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी है, तो आप क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम, और ये क्या आएगी, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ क्या, नॉर्मल रिएक्शन एंड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का रिजल्टेंट आएगा, कोई डाउट इसमें, क्या ये बात समझ में आ रही है यहां तक। अब ध्यान से सुनना, इसमें इसके अंदर ये जो रिजल्टेंट आया उसने स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ एंगल, उसने नॉर्मल रिएक्शन के साथ, ये जो रिजल्टेंट आया उसने नॉर्मल रिएक्शन के साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल क्या बनाया, थीटा, थीटा, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगा, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। जैसे ये है क्या, ये एफ एस मैक्स है, ये रहा वेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्स हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एफ स्टैटिक मैक्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो टैन थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो यहां से टैन ऑफ थीटा की वैल्यू म्यू टाइम्स म्यू स्टैटिक नॉर्मल रिएक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल, तो यहां से टैन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू स्टैटिक। कभी कभी क्या होगा, इनस्टेड ऑफ गिविंग कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन देगा, वो कहेगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन 60 डिग्री है, तो म्यू एस बोलो क्या होगा, टेन 60 क्या है, रूट 3, तो आंसर क्या आएगा, रूट 3। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो ये एक तरीका है बताने का कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज है और उससे कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर है यहां तक। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है।